तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ओकिनावा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा ओकिनावा के यहाँ पर व्हीकल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ओकिनावा के काफ़ी अपनी मांग की है कि उबरता हुआ ड्राइव देख सकते हैं ओकिनावा का इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल तो एक एक करके आपको कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये DRL है और ये आपको लाइट वगैरह देखने को मिलेगा। इंडिकेटर है आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऑन करके देखते हैं तो ऑन करने के लिए हमें कैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेगा तो लुक कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको इस ब्रेक देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ओकिनावा का क्लासिक IQ ये मॉडल है और इसमें जो है टेक्निकल है 2 PSP 25 60 70 और डे टाइम रेंज है ये कुछ। यहाँ पे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं बैक साइड से कुछ इस तरीके से सामने निकलते हैं। डिस्क ब्रेक इसमें ड्रम ब्रेक इसमें फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह DRL यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर LED देखने को मिल जाता है, ये नंबर प्लेट के लिए हो जाता है। यहाँ पर आपको लाइटिंग वगैरह और ये इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये अपने वहाँ का फास्ट मिल जाता है। इसमें डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट और रियर दोनों कहीं भी नहीं मिलता है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से इसका लुक निकलता है। ये हो जाएगा अगर हम सभी भी फास्ट में हैं लेकिन ये भी फास्ट अगर मैं रियर से दिखाता हूँ, हाँ सॉरी इवन मैं फ्रंट से दिखाता हूँ क्योंकि फास्ट में आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं। जो कि आपको ये देखना ग्रे में देखने को मिलेगा, ब्लू में देखने को मिलेगा, ऑरेंज है और जो मेट ग्रे ग्रीन उसमें देखने को मिलेगा। तीनों मॉडल सेम है, तीन के फास्ट का ही मॉडल है जिसमें आपको ये तीन सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कलर आपको कौन सा पसंद आता है मेरे खाने के लिए जो इसलिए जो मैट ब्लैक टाइप में दिया गया ये देखने में जो है ब्लैक में नहीं है तो जो कि फिनिशिंग इसमें काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। बाकी लुक हर एक आने वाले बाइक ने अलग लुक दिया है। बाकी अब तो ट्रेंड हो गया DRL तो ये DRL देखने के बाद काफ़ी खूबसूरत ये बाइक लगती है। बाकी यहाँ भी ये फ्रीडम इलेक्ट्रिक का ही है और फ्रीडम इलेक्ट्रिक मॉडल है ओकिनावा। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ये कुछ निकल के सामने आता है। अभी इसके अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ये रियर में अगर आप देखें तो रियर साइड से सामने आता है। फ्रीडम इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है इस साइड से आपको फ्रंट में इसमें फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। ये मेरा करीब यहाँ पर भी आपको मेरा देखने को मिलता है कि नवा का ये मेरा मॉडल मेरा भी काफ़ी प्यारे ही है। और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, ये टेलीस्कोपिक मिल जाती है। इसके कुछ फीचर्स की तरफ चले तो यहाँ पर फीचर्स दिखाने को मिलते हैं। और जो आपको मॉडल बाइक रह गए एक वहाँ वाले और वहाँ तो अभी हम चलते वो जो मॉडल पास कौन सा मॉडल है वो देखते हैं। क्लासिक आपको 150 देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं इस साइड से तो बाहर चले तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है जो कि मुझे आपको
लोग यहाँ पर एक फास्ट मॉडल देखने को मिला है, क्लासिक 150 और फ्रीडम, ये तीन मॉडल यहाँ पर, तीनों में तीन मॉडल में दो तीन कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी सेम है कलर में, और एक यहाँ पर आपको देखने को मिला है दो तीन मॉडल देखने को मिला है, और सेम आपको ये चीज़ें देखने को मिलता है। जो कितने यहाँ पर आपको डी आर एल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको किस तरीके से कुछ मॉडल देखा है, क्योंकि मैं अलग तरह से मॉडल देख देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत मॉडल देता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे से भी आपको अच्छे मॉडल पूछा कुछ नहीं जर्मी का नहीं काफ़ी बड़ी चुकी बिकॉज अलग रही हम कर रही हूँ, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि मेरा काफ़ी स्टेशन टाइप से, तो ये क्या है चार्जिंग है जो कि तो ओकिनावा इलेक्ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सच होंगे सब सपने अपने, तो ये इनका सही है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा ये बना हुआ है। ओकिनावा का तो कंप्लीट हो गया, अभी चलते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि क्या है।